सबर गुरु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ये मेरे YouTube फैमिली मेंबर्स सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुमान में रखे। पिछले हफ्ते बारिशों का बहुत गंदा सीज़न चल रहा था और कराची आपको पता है इतना मतलब नाले वगैरह इसके वो ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है नहीं जो होना चाहिए था। खैर ये अलग एक टॉपिक है, इस पर मैं अलग एक ब्लॉग करूँगा। और आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं मेरे YouTube फैमिली मेम्बर्स। और आज 9 मुहर्रम है, आज हमारी सासू माँ के घर में हलीम बनता है 9 मुहर्रम को। पहले तो मेरी नानी के घर भी बनता था, लेकिन बस वो सब का अपना अपना एक वो बन गया है कि टाइम ही नहीं है किसी के पास अब, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम हो गया है। तो इस वजह से लोगों ने बनाना छोड़ दिया है हमारे यहाँ। वैसे ही ऑर्डर करके मंगा के फिर वो उसको न्याज दे देते हैं उस पर। और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही सिलसिला है न्याज का। और बस अभी मैं अभी नहा धो के रेडी हुआ और लंगर के लिए निकल रहा हूँ, क्या लंगर कराऊँगा। और क्योंकि हमारे यहाँ तो हलीम वलीम का कोई मतलब वालदा ने कुछ बनाया नहीं था, इतमाम नहीं किया था, लेकिन बस वो कुछ बिरयानी या जर्दा वगैरह हमारे यहाँ से तकसीम होता है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि मतलब जाने के लिए निकल रहा हूँ लंगर के लिए। और इसी तरह से और जगहों पर इतमाम हो रहा होता होगा, कहीं सबील लगी हुई होती है, कहीं लंगर चल रहा होता है। बस अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता की है कि हम लंगर करा सकते हैं। तो आप भी अपने 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 हिसाब से लंगर करवाएं। और फिर आज रात का हलीम मेरी सासू माँ की तरफ है, तो वहाँ भी मैं एक आपको इसके अंदर क्लिप डालूँगा, वो भी क्लिप देखिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो चलते हैं लंगर तकसीम बनवाने के लिए। हम आ चुके हैं यहाँ पे, और जैसे कि आपको पता है कि मोमो सब बन पड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर मैंने सोचा क्यों ना बन कबाब भी डिस्ट्रीब्यूट कराए जाएं, तो यहाँ पे बन कबाब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कराने शुरू कर दी। और अच्छे खासे बन कबाब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए फॉर लंगर। मेरा माइक और मेरी गाड़ी दोनों ख़राब हो गए, तभी मुझे ऑटो में ससुराल जाना पड़ रहा है। जमशेद रोड पर सबीलें और ताज़ियों के स्टॉल लगे हुए हैं, जो आप इस क्लिप के अंदर देख सकते हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे तलवारें, चीज़ें वगैरह, लकड़ी की जो होती हैं, वो सारे खिलौने भी यहाँ पर बिक रहे हैं। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वीडियो के अंदर भी, और लोग पूरा तो हलीम खाते हैं और फिर बताते हैं कैसा है। हलीम का फर्स्ट बाइक क्या नाम है तुम्हारा? खालिद। कितने साल से कर रहे हो? 3.5 साल। ये कहाँ पे बैठे हुए हो? कहाँ बैठे हुए हो? राडो पे। अनवर भाई मसाज कैसा लग रहा है? जबरदस्त माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ये अमर भाई की मेहरबानी है। अच्छा, रिलैक्स कर रहे हैं। अमर भाई को मैंने कभी अपने ब्लॉग में लिया नहीं है, इसमें अमर भाई ज़रा थोड़े से आप घुमाएं। अमर भाई कैसे हैं? अच्छा, ये मेरे दूसरे साडू हैं, लेकिन कभी आते नहीं हैं ब्लॉग में, लेकिन आज आ गए हैं मेरे कहने से।
और हमारा चाय का प्लान बना और अनवर भाई इस वक्त यहाँ पे फुल टाइम मसाज ले रहे हैं। क्या नाम बताया था भाई तुमने? खालिद। खालिद से फुट मसाज ले रहे हैं। ये देखें खालिद, अब देख लो तुम वायरल हो गए हो, अब तुम्हें लोग आके पूछेंगे खालिद कौन है ये है। अच्छा हाँ, अपना एड्रेस बताओ, कहाँ पे होते हो यहाँ पे? मुनव्वर चौरंगी पे रहे ये। और ये चाय का होटल का नाम क्या है? नहीं पता। यहाँ पर हर साल 9 मुहर्रम को हलीम तैयार होता है और सुबह 10 मुहर्रम को डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये आप देख रहे हैं आज जमशेद रोड की रौनक है ये, और ताजिए लगे हुए हैं बहुत। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपके सपोर्ट की मुझे अशद ज़रूरत है। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।